लोग हैमस्टर कॉम्बैट में इसलिए भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई हैमस्टर कॉम्बैट बहुत बड़ा स्कैम करने वाला है और ये बैन होने वाला है या सस्पेंड होगा या लोगों को एयर ड्रॉप्स ही नहीं देगा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ उनके तरफ से प्रूफ दिखाया था और सब भाई करेक्ट प्रूफ थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई कोई इलीगल है, भाई पूरे लीगल मैंने प्रूफ दिखाया था जो उनके जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर लेकर चलता हूँ इनर्सियो के पहले, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बाइनेंस स्क्वायर में भी एक जन ने पोस्ट किया था, ठीक है, स्कैम अलर्ट रिसेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपोर्ट सम अलर्मिंग कनेक्शन बिटवीन द हैमस्टर एंड द पास्ट प्रोजेक्ट, जो कि एरेनम नाम से एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें हैमस्टर कॉम्बैट का भी कुछ पार्टनरशिप थी। तो एरेनम बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था जिसमें $10 बिलियन, ठीक है, यहाँ पर $10 मिलियन दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, उतने का प्रॉफिट होता है जिससे इन्होंने वही पैसा हैमस्टर कॉम्बैट में लगाया और वहाँ से और ज़्यादा अर्निंग जनरेट किया। पर इन्वेस्टर कह रहे कि भाई हमसे इन्होंने कोई भी पैसा हमें नहीं दिया, 18% जो डील हुई थी, पर ये कह रहा है कि हैमस्टर भाई ये भी इन्वेस्टर को जानता भी नहीं है। तो ये क्या चीज़ है कि इन्वेस्टर झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? तो मैंने क्या किया, वो हैमस्टर की जो एक टीम थी उसमें से कुछ लोगों से मैंने बात किया है डायरेक्टली, और अब ये मत पूछना कि भाई सर कैसे बात हो गई है, भाई आपके भाई को इंग्लिश आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई इस तरीके से बात कर लिया था मैंने, तो मैं आपको बताऊंगा अभी वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा सब चीज़ें, सेवरल होस्ट इन द सेवरल सर्वर, और उन्होंने वही गेम एनएनएम रिसोर्स का इस्तेमाल करके वही सर्वर पर डाले। भाई अगर ऐसा कुछ रहता तो भाई हैमस्टर कॉम्बैट के जो एडवर्ड है, ठीक है, गेरोनोविच, तो वो इस तरीके से कभी भी सेम सर्वर पर अपलोड नहीं करते हैमस्टर कॉम्बैट को जो इन्होंने एरेनम में किए थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेकर चल रहा हूँ, आपको कुछ और भी प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जा रहा हूँ मैं हैमस्टर कॉम्बैट अनाउंसमेंट, देखिए अनाउंसमेंट में यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ इसलिए दिखाता हूँ किसने क्या चीज़ कहा है और इसका फैसला आपको करना है। पर ये स्कैम तो करेगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मेरा सजेशन है इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा बिल्कुल भी मत करना। देखिए अभी हम फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा की जनरेट किए, मैंने 3 दिन से की बिल्कुल भी नहीं लिया, दिमाग खराब हो गया था भाई मेरा, और मैं आपके लिए कहाँ कहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ हैमस्टर के लिए कि एयर ड्रॉप्स आए, और मैं इतनी आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर एयर ड्रॉप्स आए, मुझे मिला और नहीं मिला, बहुत कम लोगों को मिला, तो भाई मैं एयर ड्रॉप का गिव अवे करूंगा, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, और मुझे ऐसा भरोसा है एयर ड्रॉप्स जरूर आएगा, क्योंकि अभी तक हैमस्टर कॉम्बैट का जो ऑनर है उन्होंने नहीं कहा कि भाई हमने इन्वेस्टर को कोई भी चीज़ नहीं दी है। हाँ कुछ इन्वेस्टर आ रहे थे हमारे पास, उनको हमने मना किया कि भाई इन्वेस्टर से ज़्यादा हमें हमारी कम्युनिटी के लोग प्लेयर्स का होना पसंद है। ये हैमस्टर कॉम्बैट ने ही डाला था, यहाँ पर लिखा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी वैल्यू अवर प्लेयर फार मोर देन अवर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से ज़्यादा हमें हमारे प्लेयर्स की ज़्यादा जरूरत है। द ओनली वे टू ऑब्टेन द फ्यूचर हैमस्टर टोकन इज बाय प्लेइंग द गेम, 60% ऑफ द टोटल सप्लाई इज रिजर्व फॉर द प्लेयर, प्लेयर के लिए 60% हमने रिजर्व करे है 100 में से, और जो 40% है उसमें द रेस्ट रिजर्व फॉर प्रोवाइडिंग मार्केट लिक्विडिटी फ्यूचर इकोसिस्टम पार्टनरशिप एंड ग्रांट, जो पार्टनरशिप के साथ है तो भाई उनको भी, मतलब ये पार्टनर के बारे में बात तो कर रहे हैं, एंड रिवॉर्ड्स गेट एंड अदर आइटम्स के लिए हमने 40% रखा है, उसमें से मान के चलिए ये बंदा अगर 18% भी दे देता है तो 22% बचता है बाकी चीज़ों के लिए भी, ओके। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई अभी तक हमने डिसाइड ये नहीं कर रहे कि भाई ये सही में स्कैम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। भाई कोई भी अपना बचाव जरूर करता है जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इन पे आक्रमण कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा। और एक चीज़ आप थोड़ा समझिए, भाई जब ये लॉन्च हुआ था उन्होंने वाइट पेपर भी लॉन्च किया है, और कोई तरीके का हमें स्कैम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें लगा इन्होंने जुलाई में कहा, जुलाई चले गया, अगस्त आ रहा है, अगस्त भी जाने वाला है और अभी तक इन्होंने एयर ड्रॉप्स लाए, मतलब ये स्कैम है। अगर ऐसा रहता तो डॉक्स की तरह ये भी अभी तक 1 महीने के अंदर एयर ड्रॉप्स ला लेते, दूसरा एयर ड्रॉप 2 साल के या 200 साल के बाद भी लाते तो चल जाता, हमें भरोसा रहता। पहला एयर ड्रॉप्स इन्होंने अच्छे से लॉन्च किया, और सेम इन्होंने मान के चलिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर ये गया अनलिस्ट पर, वाइट पेपर ये मैंने स्टार्ट किया हो, तो यहाँ पर भी इन्होंने डायरेक्टली कहा है, वाइट पेपर की बात कर रहा है, 60% एयर ड्रॉप वॉल्यूम विल बी डेडिकेटेड टू द प्लेयर, और जिसमें से बचा हुआ जो रहेगा वो रहेगा हमारे पार्टनरशिप एंड ग्रैंड्स रिवॉर्ड स्क्वाड, एंड ये भी वाइट पेपर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई ये इतना बड़ा फ्रॉड करेगा, तो भाई और मैंने इसके लिए टेलीग्राम पर जस्ट एक पोल भी किया था, तो यहाँ पर देखिए 70% 4000 के आसपास लोग कर रहे, 60-70% लोगों ने कहा हाँ ये भाई ये स्कैम करेगा, पर 30% को कहीं ना कहीं है कि भाई हाँ ये स्कैम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वो वीडियोस दिखा देता हूँ जो मैंने बात किया उनसे, यहाँ पर क्लिक करके आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए जस्ट इनसे मेरी बात हुई थी, हैमस्टर कॉम्बैट के कुछ टीम मेंबर है, ओके, उनसे मैंने जस्ट बात किया था कि भाई, और इंग्लिश में ही समझ में आता भाई इन लोगों को, एलेक्सी था, अरमेन था, नादिया, वालेवी और मैं था, ठीक है। तो इनके साथ जो बात हुई है उसमें यही है
क्या अभी कुछ भी चीज कहा नहीं जा सकता, स्कैम तो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा जो ध्यान दे रहे हैं वो दे रहे हैं गेम्स के ऊपर। गेम से रेवेन्यू जनरेट होंगी और उसके बाद वो बड़े से बड़ा एयर ड्रॉप्स लेकर आएंगे। कल मैंने एक जगह और भी बताया, जो उनके फॉर्मर नितिका निकिता इस तरीके से था, नाम भी मैंने आपको बताया था, तो उनका कहने का मतलब मैंने छोड़ दिया है, मेरा प्रिंसिपल और मेरी चीजें हैमस्टर से दूर है, मुझे इनसे कोई लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पर मैंने जब इनसे बात किया तब जाके लगा कि भाई ये स्कैम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट एयर ड्रॉप इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो, इतना बड़ा एयर ड्रॉप लेकर आएंगे तो भाई इतना बड़ा तो स्कैम नहीं करेंगे। हाँ, गेम्स लेकर आ रहे हैं, एयर ड्रॉप नहीं ला रहे, इसके लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब ये इसलिए भी हो रहा है ताकि जब तक ये बाइनेंस पर लिस्टेड ना हो तब तक कुछ नहीं कहा सकते। और कभी मैंने आपको सिर्फ प्रूफ दिखाया कि भाई ये तरीका हो सकता है स्कैम का, तो हर कोई कह रहा है कि सर बॉयकॉट हैमस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको लगता है तो कर कीजिए, और मैं भी बिल्कुल करता हूँ, मैं तो आपके साथ हमेशा रहता हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ और दूसरे लोग नहीं कर रहे तो भाई मेरे अकेले से क्या हो जाएगा इसके कारण, अगर आपको लगता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा और रुक जाते भाई। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत ज्यादा सब्र बहुत करता हूँ, मतलब मान के चले कुछ भी चीज़ रहो, सब्र करो यार, इंतजार करो, पेशेंस रखो, एक वक्त पे आने के बाद खुद हमारे सामने पूरी असलियत दिख जाएंगे। तो इनके साथ मेरी जो भी बात हुई है, जस्ट मैं ऑडियो नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑडियो ही चालू नहीं किया था जब इनसे बात हो रही। मैंने ऑडियो चालू कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया, और ऑडियो चालू नहीं किया तो ऑडियो नहीं आ पाया, बड़ी दिक्कत हो गई मेरी। तो मैंने सोचा कि भाई कम से कम प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। अब लेकर चलता हूँ मैं यहाँ पे, ये है मान के चलिए इनका, ओके, हैमस्टर इज हैविंग सम इनसाइडर सिचुएशन, तीन बड़े ग्रुप्स ने भी ये कहा ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। पर जब तक हैमस्टर कॉम्बैट खुद नहीं कहेगा, खुद होके कहेंगा भी नहीं भाई, वो स्कैम करेंगे भी, पर हम क्या कर सकते हैं बताइए ना आप, छोड़ दें। कल चल के अगर इनने स्कैम नहीं किया और इसने एयर ड्रॉप्स लेकर आ गया तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैं दो तरफ के की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँगा भाई छोड़ दो कुछ नहीं है, तो कल चल के आप बोलेंगे सर आपने यहाँ तक लेकर आए, अब साथ क्यों छोड़ रहे हो, इतने दूर तक आ गए हैं, एयर ड्रॉप्स मिले ना मिले कंप्लीट तो कर ले भाई, मंजिल का पता तो चले, ये चीज में बोलो। और अगर मैं बोलूंगा नहीं कंप्लीट करो, अरे सर आपने ही कंप्लीट करवाया, आप अपना फायदा देख रहे हो। मैंने हमेशा कहा है भाई मेरे को किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा, तो मेरी किस्मत में जितना है ना मुझे मिलेगा। तो मैं बस वीडियोस आपके लिए जेन्यून तरीके से बनाता हूँ, तो अर्निंग की व्यूज की उससे कोई नहीं, बस आप संतुष्ट होना चाहिए मेरे वीडियोस को लेकर। ठीक है, कुछ नॉलेज नहीं रह पाती है, ये दूसरे बंदा पेरिस में बैठा है, लंदन में बैठा है, कहाँ बैठा है, तो उनसे बातचीत करने में मैं आपकी मदद करता हूँ कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता भी होगा जो एक्सेल फ्रॉम सिंपल, इनका ये है कि भाई बड़ी जो कंपनी होती है ना भाई, इंसान जब तरक्की करता है ना उससे जलने वाले बहुत सारे रहते, उसके बारे में गलत गलत अफवाह भी फैलाएंगे। एलेक्स फ्रॉम सिंपल ये एक कंपनी खुद की चला रहा है, हैमस्टर से छोटी कंपनी है, तो शायद जलन के कारण भाई होता है कि भाई इसमें ऐसा है वैसा है ये वो, पर अभी तक कोई बड़ी जो लोग है उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई हैमस्टर स्कैम करेंगे। बस ये हम जैसे यूट्यूबर ही बोल देते हैं कि भाई स्कैम करेंगे, उसके बाद नहीं करा, अभी मैंने तो कब बोला था इस तरीके से। तो भाई अभी हम इस मोड पर है, हैमस्टर बोल रहा है हम स्कैम नहीं करेंगे, हम बड़े से बड़े एयर ड्रॉप देंगे, दूसरे रोकेंगे, ये स्कैम करेगा। अब देखते हैं क्या होता है, पर हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं क्योंकि 8.6% का गेम्स प्रॉफिट फाउंडर बोल रहा है कि भाई हमने तो कोई नहीं बोले थे, पर इन्वेस्टर बोल रहे हैं देने के लिए, तो जब ये कंपनी और ज्यादा बड़ी हो जाएंगे तो शायद दे भी सकता है, उतना ज्यादा नहीं क्योंकि भाई भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एडवर्ड गुरेनोविच को गूगल भी किया गया तो कुछ पता नहीं चल पाया था, पर इन्होंने खुद का अकाउंट बनाया, ये दूसरे कह रहे हैं, इनका नाम भी नहीं है कुछ भी नहीं है, बस ये जरूर कह रहे हैं कि भाई हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ अकाउंट उन्होंने खुद ने बनाया और इसी को एयर ड्रॉप्स देगा। तो भाई पता तो चले हमें, कल चल के अफसोस ना, इसके कारण मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अभी कुछ भी मत कीजिए, थोड़ा सा वेट करके रहते हैं। और जिस तरीके से डॉक्स ने अपना किया है बायबिट पर लेकर आया है, पर अगर आप टेलीग्राम करे हो तो भाई उसके लिए आपको टोन रखना जरूरी है, तो आप टोन भी रख सकते हो अगर आपने टेलीग्राम वैलेट किया, क्योंकि ऐसे एक्सचेंज में आपको टोन लगेगा। पर अब अगर आप P2P करते हो तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर एक्सचेंज में वो ज़्यादा पैसा लेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। 83 रुपीज़ चल रहा है, वो 95 रुपीज़ 100 रुपीज़ भी ले सकते हैं, वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स लगेगा, उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं आपका पैसा। तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना है, कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताना था पर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, मैं की भी नहीं ले रहा हूँ, और मैं अभी जो बताता हूँ साइपर कोम्बो गेम्स मिनी गेम्स उसका भी मैं एक ही वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, अलग अलग से वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए डेली रिवॉर्ड्स भी लेना है तो बिल्कुल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पर बाकी मैं छोड़ नहीं सकता, बीच में मुझे आखिरी तक देखना है इसमें क्या चीज़ होने वाली है क्या चीज़ नहीं होने वाली है।
कल चल के मुझे अफसोस नहीं रहूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये अपडेट आजकल में लेकर आएंगे जिस तरीके से इसका मार्केट में बदनामी हो रही है। तो ठीक है, मैंने आपको प्रूफ बताया है, हैमस्टर कह रहा है मैं दूंगा जरूर आप सभी को, हमारा मैटर अलग है, 40% में 60% में से आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो भाई यकीन कर सकते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताना, और रिक्वेस्ट है गलत कमेंट मत किया करो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, वहाँ पर रिप्लाई भी करता हूँ। और भाई फेक कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया प्रूफ के साथ बताया है। और अगर आप बोलेंगे सर एलेक्स का बता दो, ठीक है भाई एलेक्स का भी देख ही लो आप, कल चल के मुझे बोलेंगे, नहीं तो क्या कहाँ बोला क्या बोला। आ गया एलेक्स भाई, कहाँ चले गया, बंदा गायब हो गया क्या? हाँ एलेक्स फ्रॉम सिंपल, ये बंदा है ना, इसकी खुद की कंपनी है। ठीक है, हैमस्टर पे फिर आ गए, इसकी खुद की कंपनी है, तो ये कंपनी अपनी खुद की भी चला रहा है, तो इसके कारण शायद ये बोल सकता है हैमस्टर के बारे में गलत ये जो लिखा है। ठीक है, तो आप देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। हैमस्टर लिस्टिंग इन जर्मनी गेम्स डेवलपर क्लैश विद द, ये यहाँ पर कुछ क्लैश भी हुआ है, हैमस्टर लिस्टिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम 18.6% ये है, ये टॉकिंग अबाउट द गाय, नेचुरली द इन्वेस्टर आर हैप्पी एंड आर प्रिपेयरिंग लॉसूट, लॉसूट भी बना रहे हैं, कॉइन लिस्टिंग ऑन द बाइनेंस एट रिस्क, रिस्क पर हो सकता है बाइनेंस, ये हैमस्टर में यूजर भी कह रहे हैं स्टूपिड बोर्ड गेम्स एंड दे आर रिसेंटली एग्री विद यू, बहुत सारे जन इनके साथ एग्री भी हुए हैं, शुड कम इन, अरे क्या क्या लिख दे भाई, हु से कांट रजिस्टर ऑन दैट सिंपल डेट कांट रजिस्टर, हैमस्टर फुल ड्रामा है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज द हैमस्टर डेट, डेट किस तरीके से हुआ, 4 मिलियन PPH हुआ है, तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। तो भाई वेट कीजिए, और अगर आपको लगता है भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं, डिलीट कर सकते हैं गेम, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे गेम्स मार्केट में बहुत है, जिसमें एक ब्लम करके भी आया है, डॉक्स करके भी आया है, हॉट बेस भी आ चुका है, और भी नए नए गेम्स जस्ट आने वाले हैं, एल्स भी एक आने वाला है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए, शुरू होते फ्रेंड्स का चैनल इंजीनियर बनाते रहूँ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।